को विज्ञान कहा जाता है। ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब बातों को हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महेंद्र कुमार जी हमारे स्टूडियो में। सर नमस्ते, हमारे चैनल विद्रोही अनन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले बताइए कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको क्यों कहा जाता है? कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ये प्रूफ है, जैसे और विज्ञान होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, मेडिकल साइंस है, और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो विज्ञान है। तो ज्योतिष और ज्योतिष भी एक विज्ञान ही है। हुआ क्या कि ज्योतिष को विज्ञान प्रूफ करने के लिए इस पर ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई, इसकी पॉपुलरिटी नहीं हुई, जिस वजह से जो है इसके बारे में उतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका। लेकिन मगर एक ज्योतिष विज्ञान है, उसका कारण ये है कि हम मनुष्य प्राणी पृथ्वी तल पर निवास करते हैं, और जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मनुष्य है उस पर प्रभाव ये ज्योतिष विज्ञान का पड़ता है। उसका कारण ये है कि आकाशमंडल में बहुत सारे नक्षत्र हैं, तारे हैं, और उनका बहुत सारे हैं, लेकिन सबका प्रभाव जो है उन पर मनुष्य प्राणियों पर नहीं पड़ता। होता क्या है कि जो ग्रहों की रश्मियाँ होती हैं वो मनुष्य पे पड़ती हैं, वो प्रभाव डालती हैं। पृथ्वी पे जो भी मनुष्य रह रहे हैं, पृथ्वी एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रही है। तो जब सूर्य के चारों ओर भ्रमण करेगी तो पृथ्वी तल पे भी जो भी मनुष्य प्राणी निवास कर रहा होगा सूर्य का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके चारों ओर भ्रमण कर रही है। अब पृथ्वी जिस रास्ते से होकर के गुजर रही है, जो उसका मार्ग है वो 27 नक्षत्रों का मार्ग है, उसमें 27 नक्षत्र स्थित है। तो जो भी नक्षत्र होगा उसका प्रभाव उन मनुष्य प्राणियों पर पड़ेगा जो भी पृथ्वी तल पर निवास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं, तो उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ता है या नहीं? मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माने या ना माने, प्रभाव तो उन पे भी पड़ेगा, कोई मान रहा है तो भी, नहीं मान रहा है तो भी। देखिए, सूर्य उदय हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं, प्राण शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, कोई कहे हम मानते ही नहीं है कि प्रकाश है। तो अब किसी के मानने ना मानने से ये तो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से और महसूस कर रहे हैं ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव, ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव। अगर सूर्य गर्मी देता है, फायरी प्लैनेट है, तो हमको उसकी गर्मी महसूस होती है। चंद्रमा का शीतल प्लैनेट है तो उसकी शीतलता हमें महसूस होती है, हमारे मन को, मस्तिष्क को शांति देता है। तो ये जो ग्रह जो मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों जो चक्कर लगा रही है, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ रहा है, इसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो चंद्रमा का प्रभाव भी मनुष्य प्राणियों पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। और बाकी पांच ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये भी अपनी अपनी अलग वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं। तो जब ये ग्रह पृथ्वी तल के नज़दीक आते हैं तो इनकी रश्मियों का प्रभाव भी मनुष्य प्राणियों पर पड़ना स्वाभाविक है। और ये जो बाकी दो ग्रह बचे, राहु और केतु, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह, ये छाया ग्रह का मतलब ये ग्रह दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। जब चंद्रमा अपनी वृत्ता का कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी के उस मार्ग पर पहुंचता है कि जब उसको क्रॉस करने पे उत्तर की ओर चला जाएगा तो वो पॉइंट राहु कहलाता है। इसी तरह से जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ जब दक्षिण की ओर जाएगा तो उस पॉइंट को केतु कहते हैं। तो इस तरह से ये 9 ग्रह हुए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नोड्स है, राहु केतु, इनका प्रभाव जो भी पृथ्वी पे मनुष्य प्राणी रहते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। और वेस्टर्न ज्योतिष में मतलब पाश्चात्य ज्योतिष में जो 3 ग्रहों की और खोज की गई है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो एक लंबे समय तक एक राशि पे या एक घर में विद्यमान रहते हैं, जिस वजह से एक लंबे समय तक एक 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 स्थान में रहने के कारण उनका प्रभाव देर में महसूस होता है। इसलिए मुख्य रूप से ज्योतिष में 9 ग्रहों को ही प्रधानता दी है। अभी आपने प्रभाव की बात की है जी, तो क्या ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव सभी लोगों पर रहता है? जी देखिए, ये तो रश्मियां हैं, जो भी मनुष्य प्राणी है उस पे ग्रहों का, नक्षत्रों का, राशियों का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आकाश मंडल में सब
ग्रह विद्यमान है, उनके उनकी ऊर्जा हमको मिल रही है और उनकी ऊर्जा ही हमको जो है हमारे शरीर को हमारे कार्यों को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। अच्छा, ग्रह और नक्षत्रों का आपसी संबंध बताइए। देखिए ग्रह और नक्षत्र, देखिए ग्रह भी ऊर्जा देते हैं, मतलब उनकी रश्मियाँ होती हैं। अब नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के भी जो है उनके अपने अपने स्वामी होते हैं, उनके स्वामी भी यही नौ ग्रहों में से ही होते हैं। अश्विनी से लेकर के जो अश्विनी भाणी कृतिका रहती है, कृतिका अश्विनी भाणी कृतिका रोहिणी मैक्षरा, ये नक्षत्रों से लेकर रेवती तक अंत होता है। तो इन नक्षत्रों के जो भी ग्रह स्वामी होते हैं वो यही नौ ग्रह होते हैं, केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, यही नौ ग्रह उनके स्वामी भी होते हैं। तो इन्हीं ग्रहों का, इन्हीं ग्रहों की रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। अब एक राशि में क्या होता है, जो नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र है, इस 27 नक्षत्र के मार्ग को 12 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। उस 12 भागों में एक 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 राशि में सवा दो नक्षत्र पड़ते हैं, और जो सवा दो नक्षत्र पड़ते हैं तो उन नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य प्राणियों पे पड़ेगा, जिस राशि में जो ग्रह होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से ग्रहों और नक्षत्रों दोनों का प्रभाव पड़ता है और राशियों का भी प्रभाव पड़ता है। राशियाँ क्या होती है, एक मतलब तारा समूह होते हैं, एक झुंड होते हैं तारों का, तो उसको राशियाँ कहते हैं। तो राशि का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव, ये सारा मनुष्य प्राणियों पर पड़ता है। जैसे आकाश में बहुत सारे तारे गण हैं लेकिन कुछ ही ग्रहों और नक्षत्रों को लिया जाता है। देखिए कुछ को इसलिए लिया जाता है, आकाश में बहुत सारे अनंत तारे हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी जो है एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में उन नक्षत्रों के मार्ग से, जिस मार्ग में ये 27 नक्षत्र स्थित है, उन नक्षत्रों के मार्ग से होती हुई सूर्य के चारों परिभ्रमण करती है, जिस कारण से उन निश्चित 27 नक्षत्रों का ही मनुष्य पृथ्वी तल पर निवास करने वाले प्राणियों में पड़ता है। बाकी ग्रह और बाकी तारे और रश्मियाँ जो हैं उन तारों की, वो दूर है इसलिए उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए केवल इन्हीं 27 नक्षत्र का और इन्हीं ग्रहों का, क्योंकि ग्रह जो है निश्चित वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं, जब जो ग्रह पृथ्वी तल के नजदीक होगा उस ग्रह का प्रभाव मनुष्य प्राणी पे पड़ेगा। आपने ज्योतिष के बारे में बताया, अध्यात्म क्या है और ज्योतिष और अध्यात्म की आपसी संबंध क्या है? देखिए अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का मतलब होता है मतलब आत्मचिंतन करना, अपनी आत्मा का चिंतन करना, अपना विश्लेषण करना। तो अपनी आत्मा के चिंतन करने के लिए हमें अपने अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा। जैसे कहा गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जहाँ पर ये शरीर है, मनुष्य प्राणी का शरीर है, वहीं पे पूरा ब्रह्मांड स्थित है। एक तो ब्रह्मांड हुआ बाहरी ब्रह्मांड हुआ, जो पूरा ब्रह्मांड जिसको हम देख नहीं सकते आँखों से, और दूसरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में विद्यमान है। इस शरीर के अंदर भी सारे ग्रह और सारी राशियाँ विद्यमान हैं। तो इस अंदर वाले ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से कोरिलेट करना होता है। जब अंदर के ब्रह्मांड का तारतम्य बाहर के ब्रह्मांड से अच्छा बनता है तो जातक को या मनुष्य प्राणियों को सुख की अनुभूति होती है, और अगर वो कोरिलेशन अच्छा नहीं बैठता, उनकी रश्मियाँ प्रॉपर नहीं पहुंच रही हैं उस व्यक्ति को, तो हमें दुख का, कठिनाइयों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के की कुंडली जैसी होती है, जैसी स्थिति है, उसका कोरिलेशन बाहर के ब्रह्मांड बाहरी स्थित ग्रहों से करना पड़ता है। तो क्या जीवन के प्रत्येक पहलू पर ज्योतिष, जीवन के प्रत्येक पहलू पर मनुष्य के ज्योतिष का प्रभाव रहता है? हाँ, जीवन का कोई भी पहलू हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम लोग भोगते हैं या जो भी सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उन सब का कारण ये ग्रह या ग्रहों की स्थितियाँ ही होती हैं। उसका कारण ये है कि अगर ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी होंगी, अच्छी जगह पे ग्रह बैठे होंगे, प्रॉपर एनर्जी मिल रही है और उनकी रश्मियाँ अच्छे ढंग से मिल रही हैं, तो हमें उसका जो है लाभ मिलेगा, यानी उसकी ऊर्जा मिलेगी और उससे संबंधित जो भी कार्य होगा अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा।
चाहे विवाह का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, या जनरल हैप्पीनेस का मतलब केस हो, यानी जीवन में जो सुख दुख भौतिकता से संबंधित होते हैं, आराम वाहन का हो, सुख जो भी होता है, जो भी जिस तरह की भी भौतिकताएं होती हैं, उन सबके सुख दुख से लेकर के सभी पक्षों पर ये ज्योतिष का प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि मेडिकल मेडिकल पे भी, यानी जो मनुष्य प्राणी को रोग होता है, जब भी रोग होता है तो उस वो रोग का कारण भी यह ग्रहों की रश्मियाँ ही होती हैं। जब मनुष्य प्राणी जब भी पैदा होता है तो उसी समय से उसमें जिस ग्रह की रश्मियाँ कमजोर होगी उससे संबंधित रोग का बीज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय आने पर ही वो रोग जो है उत्पन्न होता है या उसके लक्षण दिखाई पड़ना पड़ते हैं। अभी आपने सुख दुख की बात की है जी। तो बहुत सारे लोगों को कभी कहा जाता है कि उनको जो कोई दुख होता है तो कहा जाता है कि ग्रह खराब होंगे या नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए हाँ, ये देखिए ग्रह वीक होंगे या अच्छे स्थान पे नहीं बैठे होंगे जातक की कुंडली में, तो उनका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। उसके दुष्प्रभाव को देखने के लिए हम आंतरिक यानी अध्यात्म का भी हमको सहारा लेना पड़ेगा। इस ज्योतिष के माध्यम से, मतलब ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष के माध्यम से हम अपने अंदर जो भी ग्रहों की रश्मियां हैं, जो भी राशियों से, जो भी ग्रहों की ऊर्जा है या जो भी राशि है, जो भी रश्मियां वीक हैं, तो उससे संबंधित जो भी चक्र इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इस शरीर के अंदर, मनुष्य प्राणी के शरीर के अंदर मूलाधार से लेकर सहस्रधार तक 7 चक्र विद्यमान रहते हैं। मूलाधार चक्र पे 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र पे धनु और मीन राशियाँ होती हैं। मणिपूरक चक्र पे मेष और वृश्चिक राशियाँ होती हैं। उसके ऊपर अनाहत चक्र आता है, जहाँ पर हृदय होता है वहाँ पे वृष और तुला राशि होती है। उसके ऊपर कंठ में, जहाँ पे कंठ में जो है विशुद्ध चक्र कहलाता है, वहाँ पे मिथुन और कन्या राशि होती है। और आज्ञा चक्र, जहाँ पे मत्था होता है, जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है, वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पे सूर्य और चंद्र दोनों विद्यमान होते हैं। और सहस्रार ऊपर, जहाँ पे लोग चोटी बांधते हैं, वहाँ पे वो सहस्रार की स्थिति होती है। तो ये मूलाधार से लेकर के आज्ञा, जो भी सुख दुख होते हैं वो मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक की बात होती है, और आज्ञा चक्र से ऊपर की जो बात आती है वो सहस्रार की बात आती है। तो यहाँ वहाँ पर आध्यात्म की बात आ जाती है, आत्मा और परमात्मा की बात आती है। तो ये जो भी सुख दुख होते हैं, कोई पर्टिकुलर चक्र, कोई विशिष्ट चक्र हमारा वीक होने के कारण ही हमें सुख दुख या बीमारी या लाइफ में किसी भी समस्या, जो भी समस्या होती है उसमें, उसका कारण यही चक्रों पे उन ग्रहों की रश्मियां न पड़ना। या इसका अलग अलग उपाय बताया जाता है कि समस्या जैसी होती है वैसे उसका उपाय किया जाता है कि एक ही उपाय है? एक उपाय नहीं है। देखिए, जो चक्र वीक है उससे संबंधित चक्र को हमें एनर्जाइज करना पड़ता है, उससे संबंधित ऊर्जा देनी पड़ती है, उस चक्र पे स्पंदन करना पड़ता है। और क्या, और एक एक चक्र में बहुत बहुत सारी चीजें निहित होती हैं, तो हमारी क्या प्रॉब्लम है और हमें उसका किस तरह की भौतिकता से संबंधित है प्रॉब्लम, या आध्यात्मिकता से संबंधित है, या फिजिकल बॉडी से संबंधित है, शारीरिक रोग से संबंधित है, तो जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को देखते हुए उसका समाधान हमको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम लोग निजात पा सकेंगे। तो आंतरिक ब्रह्मांड का संबंध और बाहरी ब्रह्मांड से बनाना पड़ता है। ज्योतिष और अध्यात्म क्या क्या है कि ज्योतिष क्या है, ग्रहों की स्थिति बताती है, जब जातक पैदा हुआ उस समय ग्रहों की क्या स्थिति आती है। तो जो हमारे ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र वीक है या किस तरह की समस्याएं होंगी, तो उससे संबंधित अपने चक्रों को ऊर्जा दे करके, उससे संबंधित अपनी रेमेडी अपना करके वो हम अपने समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि महेंद्र कुमार जी ने ज्योतिष के बारे में बताया, अध्यात्म के बारे में बताया, और जो ग्रह नक्षत्र या किसी की समस्या होती है वो ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विद्रोहिया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।